वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट्सअप मामा। मेरा नाम है प्रिंसी और मेरा पौने चार साल का एक बेटा है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना। और मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करूँगी। मतलब ये आप ऐसा मत समझना कि हम लोग अपने बारे में कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं। आप सिर्फ इस वे में समझना कि एक मैसेज है और ये हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं बस यही कहूँगी कि पहले आप पूरी बात आपको बता देती हूँ। देखिए, ये बात उस टाइम की है जब हम लोग गए हुए थे, हम जौनपुर का विजिट हमने किया था। तो दिल्ली से हम लोग को जाना था जौनपुर। तो हुआ क्या कि वहाँ पे हम लोग को एक अंकल जी मिले थे, हम उनकी बर्थ में नीचे वाली बर्थ में थे। तो अकेले थे वो, अराउंड 62 ईयर्स ओल्ड थे। उन्होंने भी ट्रैवलिंग स्टार्ट किया था दिल्ली से। बात बात हो रही थी, सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। सडन हुआ क्या कि रात में हम सब लोग सो गए और वो भी सो गए बिल्कुल अच्छे से बात बात करके और डिनर वगैरह करके अपना जो भी था सो गए वो। फिर अचानक से रात में होता क्या है कि सडन एक लड़का आता है। मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम भी स्लीपी थे तो हमें पता नहीं था उतना। वो लड़का आता है और वो मतलब उसने पावर प्लग लगाया चार्जिंग के लिए। सडन अंकल जी को उसका हाथ टच हो गया और वो मतलब इंस्टेंट उन्होंने सडन श्राउट किया कि कौन है, ये है, बदतमीज़ है, ऐसे वैसे करके मतलब उन्होंने एंग्रीनेस अपनी दिखा दी, गुस्सा किया। और थोड़ी देर के बाद मुझे लगा ओके एवरीथिंग इज़ ओके, बट ऐसा नहीं था। थोड़े टाइम के बाद बहुत शोर शुरू हो गया और मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड नीचे बैठे हुए हैं, उनका हेड पकड़ के ऐसे और वो बर्थ पे बिल्कुल मतलब बस इतना मुझे सुनाई दिया कि अरे रे अंकल जी बेहोश हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। थोड़े टाइम के बाद जो लड़का था जिसने चार्जर वहाँ पर पुट किया था उसने कहा अरे इन्होंने तो यूरिन पास कर, उनके नोज से नेजल ब्लीडिंग हो रही थी और मतलब हैंड बैंड बिल्कुल अनकॉन्शियस स्टेट में चला गया था। और मैंने तो मेरे हस्बैंड का हेड पकड़ के, क्योंकि मैं एक बात बता दूँ मेरे हस्बैंड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और तो उन्हें काफ़ी कुछ पता था। वो भी आके बैठ गए और उन्होंने कहा क्या कर सकते हैं, ये ट्रेन 2 घंटे के पहले नहीं रुकी क्योंकि स्टॉपेज कानपुर का था। प्रॉब्लम थी उनके साथ में कोई भी ट्रैवलिंग कर रहा था, अब वो यूज़ करते हैं बाइक। तो हम लोग ने कहा इनलर यूज़ करते हैं तो कहीं गिरा हो, क्योंकि हम लोग मुझे ऐसा जैसे ही मुझे पता चला कि उन्होंने यूरिन पास कर दिया, कोई टच नहीं कर रहा था, लगे पड़े थे कि उनको किसी तरह की ब्रीथ कीजिए क्योंकि उनका जो ब्रीथिंग था वो भी बहुत कम लग रहा था। क्रिटिकल सिचुएशन थी ओवरऑल। बैग को फोल्ड किया और ऑक्सीजन सप्लाई करने की कोशिश करके ब्रेन तक उनको आराम से स्टिमुलेशन मिलता रहे और सिचुएशन और कंट्रोल में रहे हमारे कि हम जहाँ 2 घंटे तक वेट कर पाएँ। पर ऐसा नहीं था, बहुत टाइम के बाद मेरे हस्बैंड और मैंने दोनों ने उनको पंपिंग करी, कॉल्स आए, फटाफट हस्बैंड ने उठाया और फिर बात किया। फिर एक थोड़े इतने टाइम के बाद एक लड़का आया, फिर काफ़ी देर से वो वॉच कर रहे थे कि हस्बैंड वाइफ हम दोनों बहुत परेशान हैं कि क्या हुआ अंकल जी को। तो बहुत कुछ ट्राई करते करते टीटी भी वेट, कभी कभी आपके हाथ में कुछ यश दे देता है, कुछ चीज़ें दे देता है कि आप वहाँ पे होते हो और वो आपको आशीर्वाद मिल रहा होता है, बेस्ट विशेज किसी का, बहुत दिल से जो दुआ निकलती वो मिल रहा होता आपको। तो कोइंसिडेंस था कि मैं और मेरे हस्बैंड थे, फिर किसी तरह उनको होश आया, फाइनली वो उठे। लेकिन जैसे वो उठे उनको नेजल ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो उन्होंने फटाफट से उनको वापस लेटा दिया और मतलब पूरे टाइम हम उनकी केयर करी। उनके घर से लगातार फ़ोन आ रहे थे, सब परेशान हो गए थे। फिर हस्बैंड को बोले कि आप प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगे आप वो करो, अगर एडमिट करना है तो एडमिट करो। फिर 2 घंटे के बाद हम लोग कानपुर पहुँचे ऐसे तैसे करके। अंकल जी थोड़ा बेटर फील कर रहे थे, टीटी थोड़ा रिलैक्स हुआ जब उनको उन्होंने बोलना स्टार्ट किया हम लोग से। एक मेरा कहने का देखिए एट लास्ट हुआ कि मॉर्निंग में फिर हम लोग उतरे और आपको बता नहीं सकती वो एक स्पेशल फीलिंग थी, इतनी अच्छी फीलिंग थी कि आप किसी के लिए कुछ कर पाए क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको वहाँ तक पहुँचाया, आपको इतनी अच्छी एजुकेशन दी, आपने इतना अच्छा मेहनत किया और आपके पेरेंट्स ने आपको वहाँ तक पहुँचाया और वो आपकी जो नॉलेज थी वो कहीं ना कहीं कम है। तो फाइनली मेरा ये कहने का मतलब है कि जो फिर वो एक चीज़ बताऊंगी और जब वो स्टेशन पे उतरे उनकी वाइफ आ चुकी थी, उनके फैमिली मेम्बर्स आ चुके थे क्योंकि 65 ईयर्स के अराउंड थे, वो रिटायर्ड थे, गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड थे। एकदम मतलब उन्होंने हम लोग को बताया था सोने से पहले, एक बात बात हो रही थी। फिर उनके फैमिली मेम्बर आए और जब हम लोग उतरे हैं ना और ट्रेन के बीच में वो ठीक हो गए हैं, इतनी अच्छी फीलिंग क्योंकि सब लोग बोल रहे थे इन्होंने बहुत हेल्प करी, इन्होंने ठीक किया, इन्होंने ठीक किया। फिर जब वो नीचे उतरे तो एक जो थैंक यू वाली फीलिंग होती है ना वो उनकी आईज में समझ में आ रही थी कि उनकी वाइफ, उनके बच्चे, वो खुद, उनकी वाइफ ने हक कर लिया मुझे और मेरे हस्बैंड को, दोनों को, मेरे बच्चे को बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लगा। तो कहते हैं ना कि कभी कभी भगवान आपके लिए दिल से आशीर्वाद देना चाहूँगी कि देखिए अगर आपको पता है कि आपके पेरेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ उन्हें अकेला ना भेजें कहीं भी, कोइंसिडेंस है, कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो प्लीज़ अगर आपके सामने, आपकी आइज़ के सामने ये सारी चीज़ें हो रही हों तो आप तमाशा मत देखो, आप खड़े होकर वेट मत करो। देखो जो होगा वो तो होना है, जो भगवान ने लिखा है वो होगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। बट आप यू विल डू योर बेस्ट है यार, कुछ भी करो, आप खड़े का तमाशा मत देखो। जो मैंने उस टाइम फील किया कि लोग खड़े थे, जब उनकी सांस आई है 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद, फिर लोगों ने, लोग बैठे, फिर पूछे अंकल जी कैसे कैसे किया हुआ। और मतलब अंकल जी का एक ही वर्ड था अपनी वाइफ को, जब वो सब थोड़ा कॉन्शियस हुए उन्होंने बोला कि भाई मैंने जब अपनी आँखें खोली, बहुत मतलब एक्टिव अंकल जी थे, मैंने जब अपनी आँखें खोली है तो मुझे इन्हीं दोनों बच्चों का फेस दिखा और मतलब मुझे बचाने के लिए थैंक यू, उन्होंने, उनका ये वर्ड था। सो
बस यही कहूंगी कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए तो प्लीज आप वेट मत करें, उनकी हेल्प करें, आशीर्वाद मिलता है वो प्रीशियस होता है। सो गाइस अगर यही बताना था मुझे कि ऐसी सिचुएशंस आ जाती है आपके सामने आए तो आप अपने अकॉर्डिंग्स को हैंडल करें, कौन क्या करता है डजंट मैटर, आप क्या करते हो वो मैटर करता है, तो यू डू योर बेस्ट, कभी ऐसा हो तो हेल्प लगा हो। और एक सिर्फ एक मैसेज देना था कि ऐसा करें, कभी मौका मिले तो ऐसा जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा गाइस, अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे ऐसे ही ब्लॉग्स में।